तय किया है कि जो कानून है वो अपना काम हर क्षेत्र में अपने तरीके से होगा, उस पर कानून अपनी पूरी कार्रवाई करेगा, उस पर किसी की कोई रुकावट नहीं होगी, कानून को पूरा रास्ता मिलेगा। और भ्रष्टाचार को लेकर हमने जो एक ऐप और एक नंबर जो लॉन्च किया है 1064, उसको हम पूरी तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रभावी रूप से उसको काम करने के लिए और प्रभावी रूप से वो काम करे उसके लिए हर उपक्रम कर रहे हैं और सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार से संबंधित अगर बात आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सर, सुन दिनों आपको बुलडोजर दाजू के तौर पे भी लोग काफी कह रहे हैं और अतिक्रमण पर जो कार्रवाई हो रही है उसे सराह रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं, इसको लेकर क्या एक्शन दिया? देखिए, हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, धर्म और संस्कृति का केंद्र है, यहाँ पर अतिक्रमण के लिए कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर सरकारी भूमि पर कब्जे के लिए कोई स्थान नहीं है, दंगा करने वाले, फसाद करने वाले या अनावश्यक रूप से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले, उपद्रव करने वालों के लिए भी कोई स्थान नहीं है। हमने कहा है कि कल भी जो घटना हुई है उस पर ठीक प्रकार से जांच हो, सख्ती से जांच हो, जहां पर भी इस प्रकार की चीजें आएंगी वहां पर सख्ती से कानून अपना काम करेगा। सर, साधु संतों की सर मांग बढ़ती जा रही है कि चार धाम क्षेत्रों से गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाए, सरकार इसे कैसे देखती है और आपके संज्ञान में क्या बातें आई? नहीं, हमारा प्रदेश शांत रहना चाहिए, हमारे प्रदेश की धर्म संस्कृति बची रहनी चाहिए, उसको लेकर सरकार अपने स्तर से भी इस पर ड्राइव चलाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जिन लोगों के यहाँ पर ठीक प्रकार से वेरिफिकेशन नहीं है उनके भी वेरिफिकेशन हो, कोई इस प्रकार के व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर ना आए जिनके कारण से यहाँ पर स्थिति खराब हो। सर, बिजली कटौती भी समृष्टि के लोग हैं, वहाँ 2-3 घंटे बिजली कट रही है जिससे प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था, उसके लिए कल मेरे सामने बात आई है, उसको लेकर हम कोशिश कर रहे हैं कि बिजली का जो संकट है